पीयूष, पीयूष कहाँ है? तो गाइस पीयूष पता नहीं कहाँ खो गया है। पीयूष हे गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हमारे पास में एक मस्त पार्सल जो कि एक बहुत ही स्पेशल पर्सन ने हमको भेजा है इसमें, तो इसको अभी अनबॉक्स करेंगे। पहले एक बार ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। आज मस्त राजमा चावल बनाई मम्मी ने, तो आज यहाँ बैठ के खाते हैं। आपका गुस्सा सबको पसंद आ रहा है? आपने लास्ट व्लॉग में खतरनाक गुस्सा किया था ना, आप गुस्सा करते रहा करो मुझ पर। हाँ लोगों को पसंद आया, जब डांटते हो ना पीयूष को मेरे को, लोगों को अच्छा लगता है। तो सारा कुछ डाल देता है उसमें। अभी जस्ट हम खाना खा रहे थे और हमारे दो पार्सल और आ गए हैं, तो ये बड़े बड़े हैं काफी, इनको अंदर लेके जाना पड़ेगा पहले। तो अब मेरे भाई चल, ज्यादा भारी है क्या? यहीं रख दे बस, यहीं करेंगे अनबॉक्सिंग। इसमें क्या है गैस कर सकते हो गाइस? मेरे को तो पता है बीबी की वाइंस प्रोडक्शन। तो ये है ढिंडोरा बॉक्स, अरे ढिंडोरा का मास्क, ये है बोतल, मेरा नाम भी लिखा हुआ है इस पे देखो। ये है मस्त चीज, मेन चीज तो ये है, मेन चीज तो ये है। हेलो 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 हेलो, ये तो सही है यार, अनाउंसमेंट करने के लिए सही है। तो अरे वाह सही है, सही है, मस्त लग रही है। तो थैंक यू बीबी की वाइंस की टीम एंड रोहित राज भैया। पीयूष, पीयूष कहाँ है? तो गाइस पीयूष पता नहीं कहाँ खो गया है। अब हम दूसरी अनबॉक्सिंग की तरफ जाते हैं। ये भेजा है प्रिंस कुमार ने, इसके अंदर हीरे तो नहीं है? इसके अंदर हीरे, हाँ मैंने मूवीज में देखा है। इसके अंदर एक और बॉक्स, ये क्या है? अच्छा वाओ, अरे भाई ये तो कड़ा है, इसके ऊपर सौरभ भी लिखा हुआ देखो, अरे ये सिल्वर का है। थैंक यू डीप ज्वेलर्स। दो अनबॉक्सिंग हो चुकी हैं, अब बारी है बड़ी अनबॉक्सिंग की, पहले ये वाली करते हैं। यार पीयूष कहाँ है? पीयूष रूठ चुका है, ऊपर छत में गया। ओ भाई बहुत भारी है तो। अरे ये तो वही है, ये वही है, भाई। ये वही है। ओ भाई इसको असेंबल कैसे करेंगे? तो इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसको फॉलो करके हम ट्राई कर रहे हैं इसको असेंबल करने का, इसमें पेच वेच कसने हैं बस। तो फाइनली पीयूष भी आ गया, अभी तक रूठा पड़ा था ये। तो अभी पीयूष लग चुका है और हमने तो चाय ब्रेक लिया है अभी सबने। तो पीयूष फिर से रूठ के भाग चुका है, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी पापा जी के साथ में। तो हमारे टेबल का जो नीचे वाला एरिया है स्टैंड वगैरह, वो हमने असेंबल कर लिया है। अब टेबल का जो मेन एरिया है ऊपर वाला, वो ये है, मतलब इतनी बड़ी टेबल है लिटरली ये। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। दम लगा के हाई साहब, दम लगा के। अरे ओए ओए डर गया, ओए जो डर गया, ओए लड़की डर गई, और ये डर गई। रुको एक मिनट देखता हूं क्या करना है। हां पलटना है इसको, बस नीचे वाले काम को करें। तो इस टेबल में ना ये बॉक्स अभी लगेगा। ये हमको ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए इसको असेंबल करते हुए, अभी तक असेंबल नहीं हुई है क्योंकि ना पेच गलत लग जा रहे हैं, फिर हम उसको दोबारा खोल रहे हैं, फिर सही पेच लगा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखो 1 2 3 वायर और भी काफी चीजें हैं, खतरनाक टेक्नोलॉजी, खतरनाक टेबल। ओ गिर गया। ये क्या था? असेंबल करने में इतना टाइम लगाया और लास्ट में पोपट हो गया, एकदम से उठाया वो पेच ही लगे ही नहीं अच्छे से। तो पापा जी ने इसमें जुगाड़ कर दिया, यहाँ पे ये लगा दिया। तो फाइनली गाइज इतनी मेहनत के बाद हमारा टेबल असेंबल हो चुका है और काफी प्यारा लग रहा है देखो, मतलब कलर भी अच्छा है, वुडन है, मुझे लग रहा था कि यहाँ से प्लास्टिक होगा। फिलहाल इसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ हुआ? आगे लाइट, अरे आगे लाइट आ गई, ओ भाई कितनी ऊपर जा रही है, इतना ऊपर। तो फाइनली गाइज टेबल अच्छे से रेडी हो चुका है और मस्त चल रहा है, ऊपर नीचे अपने आप होता है देखो, बटन दबाओ अपने आप नीचे जाता है। भाई ये तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, बस यहीं जाएगा, यहीं बस। पापा जी की हेल्प के साथ में हमने कर दिया इसको असेंबल। मैं इस पे लेट भी सकता हूँ, चलो इसको मैं अपने रूम में रख लेता हूँ एक बार। तो आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, वो टेबल असेंबल करने में, अनबॉक्सिंग करने में, और अभी 5:30 होने वाले हैं तो आधे घंटे में अंधेरा हो जाएगा। तो दिवाली आने वाली, तो मैं सोच रहा हूँ कि घर के बाहर मैं लगा देता हूँ यहाँ पे लाइट्स वगैरह, क्योंकि लग ही नहीं रहा कि दिवाली आगे, देखना कहीं पे भी लाइट्स नहीं है। उसके लिए पहले मार्केट जाके लाइट्स लेके आनी पड़ेंगी। हाय हाय, कैसे हो? आपके हमारे टीवी में फोटो, आप व्लॉग बना रहे हो? हाँ हेलो, कल आएंगे आप व्लॉग में?
हाँ आ जाओगे। आप सोसाइटी में रहते हो? हेलो हेलो, हमारा आप भी सोसाइटी में रहते? हाँ आपको तो देखा मैंने। हमारा घर तो वो है। अच्छा वो है, चल रहा है। लाइट्स लेने जा रहा हूँ मैं। हाँ चलो। अभी मैंने दो दो टी शर्ट डाल रखी है मैंने, तो ध्यान ही नहीं था मुझे तो। So guys, अभी हम लाइट्स लेके तो घर पहुंच चुके हैं। इनकी लाइट देखो, और इनके इन्होंने तो पूरी बाहर पेड़ वेड़ पे सब जगह लगा रखी है ना, मस्त लग रही है। हम तो दो लाइट लेके आए, हम तो दो ही लाइट लेके आए हैं। अपने को भी ऐसे ही करना चाहिए था यार, अपनी दो लाइट सिर्फ यहीं लगेंगी बार बार। भाई अपने को भी और लानी चाहिए थी। चलो जो भी है, जितनी हम लाइट्स लाएं इतनी लगा लेते हैं। तो अभी लाइट्स वगैरह लेके घर पे आ चुके हैं, फिलहाल अभी डिनर करते हैं। घर पहुंच गए, भिंडी एंड रोटी बनी आज। और हाँ गाइस, कल है 1 नवंबर, तो कल सुबह सुबह 8:30 बजे हमारा गाना आ जाएगा, झूठा लगदा। तो हम काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, पूरी फैमिली का रिएक्शन देखेंगे क्या रहेगा। और बहुत प्यार देना, बहुत सपोर्ट करना। और हाँ, आपकी बार में टारगेट रख रहा हूँ 2 मिलियन लाइक्स का। फर्स्ट गाने पे हमने 1 मिलियन किया था, तो आपने एक ही दिन में करा दिए थे, तो आपकी बार 2 मिलियन लाइक करा देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक कर लेना। इस व्लॉग के तो आधे घंटे बाद आएगा, मतलब 8:30 बजे आ जाएगा। काफी फन टाइप का हमने बनाने की कोशिश की है, और जो मेरा करेक्टर है आपने देख ही लिया होगा, काफी फन टाइप का है, बहुत फनी। आपके फेस पे स्माइल आई होगी देख के। तो आज एडिटिंग करेंगे अपने न्यू टेबल के ऊपर, जो कि ये वाला है इलेक्ट्रिक टेबल। इसको ऊपर करके दिखाऊं, ये देखो ऊपर जा रहा है। बाय। ओ भाई, और ऊपर और ऊपर और ऊपर। अब नीचे करते हैं। भाई इसके साथ तो खेलने में मजा आ रहा है। काफी नीचे जाती है ये देखो, इतनी नीचे जाती है। अब से मैं अपनी सारी ड्राइंग्स इसी टेबल के ऊपर करूंगा, बिकॉज काफी बड़ी टेबल है, और इतनी बड़ी टेबल मेरे पास थी नहीं अभी तक। और ये हमको भिजवाई है श्लोक भाई ने, टेक बर्नर, उनके पास भी है ऐसी टेबल, तो मैंने उनको बोला था कि बताना कहाँ से मिलती है, और सरप्राइज उन्होंने मेरे को भिजवाई दी, तो थैंक यू भाई, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये तो। अभी तो मैंने यहीं रखी है, बट इस टेबल को उठा दूंगा मैं यहाँ से, फिर इसको यहाँ रख देंगे, फिर ये आर्ट वर्क्स पेपर वगैरह सब इस पे आ जाएंगे। और जो ये वाली टेबल है, ये मैं पीयूष को दे दूंगा, उसकी स्टडी के लिए काम आ जाएगी। लिटरली काफी बड़ी टेबल है, देखो उससे अगर आप कंपेयर करोगे तो वो तो बहुत छोटी लग रही है इसके सामने। तो बस फिलहाल मैं ड्राइंग करता हूँ और इस व्लॉग को करता हूँ एंड कल सुबह सुबह गाना आने वाला है, कुछ ही घंटे बाकी हैं, तो काफी नर्वस फील हो रहा हूँ कि कैसा पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसा रिस्पॉन्स आएगा, बाकी जो भी होगा देख लेंगे। फिलहाल इस व्लॉग को एंड करता हूँ, आई होप वो पसंद आएगा, पसंद लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो अभी हम खाना खा रहे थे, पता नहीं ओरियो नहीं मिल रहा, पता नहीं ओरियो कहाँ भाग गया, कहाँ है, कहाँ था, यहाँ से कहाँ था, कहाँ था ओरियो, पता नहीं सोसाइटी में कहाँ भाग गया। जैसे हम आए ना, तो गेट खुला होगा, तो वो एकदम से बाहर निकल गया, और हम खाना खा रहे हैं मस्त। भाई सारे ढूंढने लगे, सारे डर गए थे, मम्मी पापा सारे ढूंढ रहे उसको, पूरे घर में नहीं मिला। फिर जैसे ही बाहर गया, वो गेट के बाहर था और गेट अंदर से लॉक, फिर वो साहिल को मिल गया फाइनली।